वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां पर टूटा था। शाह साहब, जैसा कि आप फरमा रहे थे कि हम बच्चों को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे कि फाइट बैक कैसे करना है। अगर जॉब नहीं मिली तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनमें इतनी हिम्मत या करेज नहीं होती कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, बिजनेस की तरफ आएँ। कैसे हम लेके आए उनको सबको? सबसे पहला काम ये है कि काम की अजमत के बारे में बताया जाए। राय साहब, यहाँ मजमून लिखवा ली जाते हैं, काम की अजमत क्या है। हमारी इस सोसाइटी में कामों को कैटेगराइज कर दिया गया है, ये बड़ा काम है, ये छोटा काम है। हर बच्चा पढ़ने लिखने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इंतजार करता है किसी बड़े काम का। वो चाहता है वाइट कलर जॉब मिले, वो चाहता है टाई कोट के साथ सब चीजें मेरी जो उनसी रेडी हो, तोपों की सलामी के साथ इंडस्ट्री मुझे जॉब दे दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक कामों की अजमत नहीं बताई जाएगी और ये बताया ना जाए कि काम ना छोटे होते हैं ना काम बड़े होते हैं, कामों की नीयत कामों को बड़ा बनाती है, कामों की नीयत कामों को छोटा कर देती है। ऐन मुमकिन है कि किसी का काम फकत जूती को गाड़ना हो, लेकिन नीयत अच्छी हो उसकी, उस जैसा कोई जूती को गाड़ने वाला हो सकता है अपनी औलाद में से एक बहुत बड़े मुल्क का फ्यूचर में प्रेसिडेंट भी पैदा करे। हिस्ट्री उठा के देखिए, और ऐसा भी हुआ ना जी राय साहब, देखिए पूरा ये कि जब वो पार्लियामेंट में गया तो लोगों ने आवाजें कसी इब्राहिम लिंकन पे कि तुम तो मोची के बच्चे हो। उसने कहा कि मैं बिल्कुल मोची का बच्चा हूँ, लेकिन ये याद कीजिए पूरे अमेरिका में इस म्यार का मोची कोई नहीं होना, यानी कि क्या उसका कॉन्फिडेंस है। हम लोग जब तक कामों की अजमत की तरफ नहीं आएंगे कि छोटा काम नहीं है, बड़ा काम नहीं, और हमें कतई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को बड़ा इंकरेज करता हूं जिन्होंने डिग्री ली, नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला, उन्होंने ठाला ही लगाया, उन्होंने रेडी लगाई, लेकिन वहां से अपने सफर का आगाज तो जरूर किया। सर, यहीं पे मैं कोट करूं, रिसेंटली मैंने एक सोशल मीडिया पे फोटो देखी और मुझे पहले डिप्रेशन हुआ थोड़ा सा, लेकिन 10-1 मिनट बाद सोचने के बाद आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एक यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम का मास्टर्स, इंग्लैंड से पढ़ के एक शरीफ आदमी आया, नौकरी कोशिश की, नौकरी नहीं मिली, और उसने गुजरावाला में बिरयानी का ठेला लगा लिया। मतलब स्टार्ट ले लिया ना, आगाज कर लिया। काहे की शर्म जी, इसमें शर्म वाली बात तो कोई नहीं है। देखो काम कर रहा है ना, काम हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, मेहनत करने वाला जो उनसा वो अल्लाह का दोस्त है। तो जो काम कर रहा है वो छोटा कर रहा है, वो ठेला लगा रहा है, बिरयानी बेच रहा है, भाई उसको सलूट है। वो काम तो कर रहा है, अब कुछ कमा के जा रहा है, कुछ रोजगार लगा रहा है, काम बढ़ता है। तो राय साहब, वो एक नहीं रहता, वो 10 लोगों में चला जाता है, वो बढ़ता है, बड़ा रेस्टोरेंट बने, बड़ा होटल बने। ऐसे कई लोग हैं, आपके हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं कि जब मैं जीरो से मैंने शुरू किया तो कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था, फिर एक ऐसा वक्त आया कि मेरे पास इंप्लॉयज की तादाद 3000 थी, बिल्कुल, और मैंने उन लोगों को भी नौकरी दे दी जो मुझे नौकरी नहीं देते थे। तो गुजारिश ये है कि आखिर जीरो से शुरू होता है, बंदा हीरो बनता है। आगाज करने वाला, पहला कदम उठाने वाला, याद रखिए कारोबार का बेसिक असूल ये है, जैसे सिनेमा आप 20 मिनट लेट जाएं तो फिल्म समझ नहीं आती, लेकिन अगले 20 मिनट के बाद फिल्म की समझ आना शुरू हो जाती है। कारोबार शुरू करने वाला शुरू में मार खाता है, गलतियां करता है, कोताहियां होती हैं, नुकसान होते हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद उन नुकसान करवा के जो विजडम हासिल कर लेता है, वो विजडम जो उनसा उसको कारोबार फिर कामयाबी की तरफ उसका जाना। सब आपके इतने ज्यादा इंटरनेशनल टूर्स होते हैं कंसल्टेंसी के, मैं जरा इंटरनेशनली भी कोट कर दूं, पाकिस्तान के सेटअप से, एजुकेशनल सेटअप से जरा कंपैरिजन कर देते हैं। वहां पे आप बिजनेस ग्रेजुएट हो तो 3 साल की पढ़ाई है, 1 साल का सैंडविच ईयर है सेकंड ईयर के बाद, आपने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 1 साल को आपको किसी फर्म में काम करना है, और काम भी आपने खुद ढूंढना है, यूनिवर्सिटी ने ढूंढ के नहीं देना आपको, अपनी कॉम्पिटेंसी पे काम ढूंढेंगे, साल आप वहां काम करेंगे, वहां से एक्सपीरियंस लेटर लेके वापस आएंगे, फिर आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होगा। सो आपकी 3 साल की डिग्री 4 साल में चलेगी, और उस 1 साल के अंदर जो बच्चा सीख के आता है उस 3 साल में नहीं सीख चुका, वो उसने 1 साल में जो सीखा है उसने प्रोफेशनल वो सारा एटमोसफियर देखा है। आप इतनी कंसल्ट करते हैं, लोग इतने आपसे, आप इतने कोर्सेज करवाते हैं, इतने लेक्चर्स देते हैं, पाकिस्तान में चेंजेस आ रही हैं क्या? देखो यार, अभी तक यहाँ पर हम कई चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सके। एक रोना तो मैंने रोया कि काम की अजमत को एक्सेप्ट नहीं कर सके। दूसरा, यहाँ पर इसका सोल्यूशन मौजूद है, उसके नतायज नहीं आ रहे। सोल्यूशन क्या? इंटर्नशिप। अच्छा, इंटर्नशिप एक सर दर्द समझी जाती है, हालांकि बहुत इंटेग्रल पार्ट है, बड़ा कमाल का काम है। कम से कम 1-2 महीने आप इंडस्ट्री में लगा के उस कल्चर को समझो, उस हायरार्की को समझो, और देखो मैं कहां एडजस्ट हो सकता हूं। बच्चे का डिमांड करते हैं, बड़ा बच्चा ऐसे है जो वहां जाए बगैर सर्टिफिकेट ले लेता है। अच्छा, वो डिमांड क्या करता है? बड़े बच्चे हमें रब्ता करते हैं कि सर आप इतनी इंडस्ट्री में, इतनी जगह पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कहीं रिक्वेस्ट कर दें। अच्छा, जब मैं रिक्वेस्ट करके जगह बनवाता हूँ, वो कहते हैं सर जी जाए बगैर गुजारा नहीं हो सकता, कि बगैर जाए हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। अब मुझे बताइए कि अगर एक मैसकॉम का स्टूडेंट अखबार जाए बगैर रिपोर्टर बनना चाहे, नहीं बन सकता। टीवी जाए बगैर एंकर बनना चाहे, नहीं बन सकता। बिजनेस ग्रेजुएट किसी बिजनेस वाली जगह पे जाए बगैर बिजनेसमैन भी नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसा। तो मैं बच्चों को कहता हूं जो बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं, ख्वाब बिजनेस का देखें,
सोचना तो चाहिए। शायद साहब ख्वाब बिजनेस का देखें, लेकिन साथ ही साथ वो तालीमी इदारे जो कि डेली बेसिस पे लेक्चर्स तो दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, जो आप यहाँ से टेलीविजन से देख के हजारों लाखों लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, जब आप जैसे लोग जो ट्रेन करते हैं बच्चों को डायरेक्टली उनके सामने फेस टू फेस बैठ कर ट्रेन करेंगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। देखिए ये कल्चर आना चाहिए, ये तब्दीली आनी चाहिए कि लोग जो उनसे हैं उन्हें पता लगे कि असल में कमी कहाँ पर है। कमी प्रोफेसर की नीयत में नहीं है, उसकी बेबसी है। वो बेचारे को पता नहीं है, उसको खबर नहीं है कि वो कितने बड़े गैप को पैदा कर रहा है। वो गैप क्या है, इंडस्ट्री कहीं पड़ी है और एकेडमिया हमारा कहीं पड़ा है। वो जो दरमियान का गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा एक और इसमें बड़ा एक मजे का आपको बताऊं, मैं ऐसे बेशुमार बच्चों को जानता हूं जिन्होंने किसी इदारे से पढ़ने के बाद कहीं पर अच्छा परफॉर्म किया, 6-8-10 साल लगाने के बाद उन्हें ये पता लगा कि बिजनेस अब क्या करना है, कमी थी, कोई कमी थी मेरी यूनिवर्सिटी में, वो वापस पलटे हैं। वेरी गुड, वापस पलटे हैं और जाके उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को, उस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि अगर आप चाहें तो हमारे इदारे के एग्जेक्टिव्स जोन से हैं, वो एचआर हेड हैं, मार्केटिंग हेड हैं, वापस आके सर्व करते हैं आपको। यकीन कीजिए 99% को मदद मिलती है। वजह क्या, उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, प्रोफेसर को, एचओडी को, डीन को, वाइस चांसलर को पता ही नहीं है कि इन प्रोफेसरों से ज्यादा ताकतवर एक प्रोफेशनल। वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, बिल्कुल पढ़ने लिखने वाला जो उनसे वो सुनार है, लोहार क्या जिसने प्रैक्टिकली कारोबार किया, काम किया और साबित किया कि 13 करके भी तरक्की हासिल की जा सकती है। अच्छा बात करते हैं बिजनेस एम्पायर्स की, बात करते हैं ट्विटर की, फेसबुक की और उन सारी एम्पायर्स की जो देखते देखते आपके मेरी आंखों के सामने डेवलप हुई। और मजे की बात यह कि जब मैं इनकी रिसर्च कर रहा था आपके प्रोग्राम के लिए सारे के लिए, तो मुझे बड़ा हंसी आई कि इनमें से बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन तो क्या स्कूल के लेफ्ट आउट्स हैं, उन लोगों के पास एक आइडिया आया, वो क्लिक कर गया और दुनिया बदल दी गई। क्या पाकिस्तान में ऐसे आइडिया जब क्लिक करते हैं तो बाकी तो टांग खींचने वाला ज्यादा बैठे हैं। देखिए पाकिस्तान में अगर ये कहूं तो गलत नहीं है, कोई बंदा अपनी एम्पायर खड़ी करता है ना, मेरा सलूट है उसको, रियली हालात ऐसे हैं, स्टेट ऐसी है, महकमे ऐसे हैं, यकीन कीजिएगा यहां पर कामयाब बंदे को इतने चैलेंज का सामना होता है, वो बड़ी शानदार बात की जाती है। और को मुखालफ हो ना, वो अपना पूरा खानदान उसका मुखालफ हो जाता है। वो कहते हैं जी कोई पता नहीं गिदड़ सिंह ही आ गई है, पता नहीं स्मगलिंग शुरू कर दी, वो क्रिटिसिज्म करने लग पड़ते हैं। इस माशरे में हर कोई अमीर होना चाहता है लेकिन अमीर से नफरत भी करता है, मेहनत भी नहीं करता, अमीर से नफरत भी करता है। यानी क्या अजीब, देखिए एक मुनाफकत है, नफसियाती मुनाफकत है कि हम अमीर होना चाहें और अमीर से नफरत भी करें। और साथ ही साथ अभी बात थोड़ी देर पहले सलमान प्राचा साहब कर रहे थे उबर और करीम की, वो भी तो एक आइडिया था ना, उसमें भी ये कोई नहीं थी पहले, आपने हार्वर्ड से या आपने ऑक्सफर्ड से या कैम्ब्रिज से पीएचडी किया उसके बाद आप एक आइडिया था, क्लिक कर गया। उस तरह पाकिस्तान में रिसेंटली आपने अगर सोशल मीडिया में भी देखा होगा छोटे मोटे पेजेस बना के वहां से बिजनेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब वो बिजनेस की प्रैक्टिकलिटी में आते हैं वहां पे आके तो बच्चे फ्लॉप होकर डिसहार्ट हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहें? अच्छा देखिए एक तो बिजनेस के लिए कुछ चाहिए नहीं चाहिए, जिगरा और हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये आपके पास जैसा एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होती है ना, बिजनेसमैन की भी एक स्पिरिट होती है, उसको पता होता है मैं फाइटर हूं, मैंने लगे रहना है, मैंने डटे रहना है। देखो आम इंसान ना पैसे के लॉस को लॉस समझता है, बिजनेसमैन पैसे के लॉस को लॉस तो समझता है लेकिन उसे पता होता है इस लॉस से मैंने लर्न बड़ा कुछ किया। वो दोबारा तैयार होता है, वो दोबारा क्वेश्चन करता है, उसे पता होता है 10 में से 9 आइडियाज फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन अगर एक क्लिक कर जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है राय साहब, अगर एक क्लिक कर जाए तो वो 9 के पैसे भी निकल आते हैं। यानी कि आपका एक छिक्का जोन्स है वो आपको इतना रिटर्न दे देता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होता। चलिए शायद साहब आपको निकालता हूं मैं जरा एकेडमिया से, मैं लेके जाता हूँ प्रोफेशनल फील्ड में। आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स को ट्रेन कर रहे हैं, क्या हमारी इंडस्ट्री, हमारे बिजनेसमैन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं वो अप्रिशिएट करते हैं स्टूडेंट्स को, आने वालों को? क्या वो ट्रेनिंग जिस तरह हम लोग कह रहे थे कि मर्ज किया जाए, ऑनगोइंग ट्रेन किया जाए स्टूडेंट्स को, क्या वो अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं? अच्छा इसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक वो बाकायदा वो प्रोफेशनल इदारे हैं जो इस पर कंप्रोमाइज ही नहीं करते, वहां पर इंटर्नशिप करना बजाते खुद एजाज है, वो काम करवाते हैं, उन्हें उनके भी पंजाबी में कहते हैं उनकी नक का मसला होता है, इज्जत का मसला होता है। वो कहते हैं कि अगर हमें इन्होंने तैयार ना किया, हमने इन्हें तैयार ना किया तो फायदा कोई नहीं। दूसरी कैटेगरी है जहां पर अड़ा फंसा जा सकता है और कुछ सीख लें ना सीखें। तीसरा तबका वो है जिन्हें पता है कि यार इन्हें सीखना है कोई नहीं है, इन्हें सर्टिफिकेट। बिजनेसमैन की बात करें, एक बिजनेसमैन ने हमें ज्वाइन किया, अब्दुल समी साहब हमारे साथ मौजूद है। समी साहब बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। समी साहब आज हम बात कर रहे हैं कासिम अली शाह साहब और हम मैं भी गुफ्तगू हैं, क्या वाकई बिजनेस के इदारे या बिजनेस स्टडीज के जो स्टूडेंट हैं वो बेहतर बिजनेसमैन बन सकते हैं फ्यूचर में, आपकी क्या राय है? अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। बहुत शाह साहब बहुत मेहरबानी लाइन पे लेने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। शाह जी देखें दो चीजें हैं, एक तो यानी कि जो आपका जो टॉपिक है वो यानी कि बिजनेस के जो इदारे हैं जो बिजनेस पढ़ा रहे हैं उनका
किरदार जो है बिजनेस में कितना है, एक तो ये चीज। एक चीज है कि वो जो टेक्निकल स्टडीज हैं, यानी कि अगर कोई बंदा जो है वो कॉन्ट्रेक्टर का काम कर रहा है, तो वो उसने अगर सिविल की कोई डिग्री ली है तो वो उसके लिए बिल्कुल फायदेमंद है। लेकिन जनरल बिजनेस के लिए जो जनरल बिजनेसमैन है उनका इस जो ये जो MBA वगैरह करवा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट करवा रहे हैं, इससे कोई उसका लिंक नहीं है। तो ये उसका जो है वो रिस्क लेने से उसको डराते हैं, यानी कि MBA आप कोई भी आपको बड़ा बिजनेसमैन वो MBA होल्डर नहीं मिलेगा, BBA होल्डर नहीं मिलेगा। ये नहीं देखा गया है, मैंने भी जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं या जितना पढ़ा है, वाइब्रो के जो अजीम प्रेम जी थे या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर आप स्टडीज करेंगे तो आप देखेंगे, इस चीज को देखेंगे कि इनमें कोई भी आदमी BBA या MBA होल्डर नहीं है, यानी कि बिजनेस रिलेटेड उसकी कोई डिग्री नहीं है। तो हम जो है साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बिजनेस स्टडीज वाले बच्चे हैं इनमें कौन सी क्वालिटीज पैदा की जाए, क्योंकि माशाल्लाह आप 2-3 बिजनेस कर रहे हैं जो मेरे इल्म में है, और आपकी स्टडीज भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। कौन सी क्वालिटीज हैं जो बच्चों में पैदा की जाए तो वो कामयाब कारोबार कर सकते हैं? शाहजी, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो रिस्क टेकिंग, MBA वाले आपको रिस्क टेकिंग कभी भी पढ़ाते नहीं है। रिस्क टेकिंग जो है, इसकी बड़ी जो है वो फुकदान पाया जाता है, हमारे जो पढ़े लिखे हजरात होते हैं उनमें बड़ा फुकदान पाया जाता है, उनमें रिस्क टेकिंग का वो जज्बा नहीं होता, वो जोश नहीं होता, वो रिस्क लेने से बड़ा डरते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट, ये एक बड़ी आम सी इस्तलाह है, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं। दूसरी बात ये कि वो जो है वो आप जिसे कहते हैं ना, वो थीटा, आपके अक्सर लेक्चर्स में मैंने एक टर्म सुनी, थीटा टाइप के लोग पैदा कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं कर रहे। वो कहीं नौकर तो बन सकते हैं, वो कहीं जाके जॉब की बैंक में किसी बड़ी फर्म में जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपना जो जो उनका पूरा जो किरदार बनता है बीइंग अ बिजनेसमैन, वो किरदार नहीं अदा कर पा रहे। आपको बहुत कम लोग जो है, आपके इर्द गिर्द में भी आपका बहुत बड़ा जो है वो स्पेक्ट्रम है, आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, बड़ी दुनिया घूमते हैं आप, तो मुझे अंदाजा है इस चीज का। तो आपने भी देखा होगा कि MBA पास जितने भी अहबाब हैं जो या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, आपको कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन की जो स्टडी बड़ी आम सी होती है। सभी सब ब्रिज कैसे करें, इस गैप को ब्रिज कैसे किया जाए? शाहजी, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये ऐसे किया जा सकता है कि जो, यानी कि मैंने पहले ही आपको पहला जो मेरा जुमला था वो यही था कि टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने आपको बताया कोई चावल का बिजनेस करना चाह रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट, उसकी टेक्निकल एजुकेशन हुई है वो तो अच्छी बात है, लेकिन बीइंग अ MBA, बीइंग अ BBA या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन ये कोई इसका कोई किरदार नहीं है, का कोई भी किरदार, यानी कि बिजनेसमैन। समी साहब, अगर आपके पास कोई जॉब लेने आता है, अमूमन जॉब लेने वालों में कौन सी कमियां आप देखते हैं? वो बच्चे जो बिजनेस ग्रेजुएट हैं, जॉब के लिए आते हैं, CV लेकर आते हैं, उनमें कौन से ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जो आप निशानदेही करेंगे ताकि वो ठीक कर लें खुद को? कॉन्फिडेंस की कमी, जी, और वो दूसरा मेहनत से डरते हैं जी, तीसरा रिस्क टेकिंग जो है वो उनमें नहीं होती, रिस्क लेने से डरते हैं। मैंने पहले भी आपको रिस्क लेने का बताया, रिस्क लेने से डरते हैं। तो ये 3 चीजें जो है इनमें बहुत इसका, यानी कि वो उनमें कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि वो कोई चीज जो है वो पेश कर सकें। समी साहब, मेरा मानना है कि कोई भी कारोबार इंसानों को साथ लेके चलने, टीम बना के चलने से होता है। आपकी क्या राय है कि लोगों को साथ लेके चलना, टीम को साथ लेके चलना कितना जरूरी होता है कारोबार के लिए? सर बिल्कुल, आप वो जो स्टेफन और कुवे की जो बात है सिनर्जाइज्ड, जो आपने भी एक मतलब आपने एक लेक्चर में बयान की थी, सिनर्जाइज्ड किस्म की जिसकी अप्रोच होती है वही लोग कामयाब होते हैं, जो अपने लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। नया आदमी अब किसी को भी अपने साथ लेके नहीं चल सकता। जो MBA वाले जो लोग होते हैं, MBA या मैं बार बार MBA कह रहा हूँ, तो जो लोग MBA कर रहे हैं वो मेरी किस बात को गलत ना लें। MBA का मकसद, यानी कि जो बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन है, जो लोग ये बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन से निकल के आ रहे हैं, इस स्पेक्ट्रम से निकल के आ रहे हैं, उन लोगों में जो है वो चाहते हैं कि सिर्फ हम ही नुमाया हो, दूसरे नुमाया ना हो, दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं रखते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाज। शाह साहब, वही जो पॉइंट्स आपने पहले रेज किए कि कॉन्फिडेंस नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते, इसको जरा थोड़ा एलैबोरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से बाद वापस आते हैं तो यहीं से आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे कि वो फैक्टर्स जो शाह साहब ने पहले हाईलाइट किए थे उनको ओवरकम कैसे किया जाए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं।